आज हम रियल सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक समुच्चयों की परिबद्धता पढ़ेंगे। समुच्चयों की परिबद्धता किस तरह से डिफाइन होती है, तो पहला इसमें जो पॉइंट है वो है कि ऊपरी परिबद्ध समुच्चय कौन से होते हैं, अपर बाउंड जिसको कहते हैं। तो किसी क्रमित क्षेत्र f का अवयव k उसके अरिक्त उपसमुच्चय s का ऊपरी परिबद्ध कहलाता है यदि s का प्रत्येक अवयव k से कम हो या उसके बराबर हो, अर्थात फॉर ऑल a बिलोंग टू s के लिए a इज लेस देन इक्वल्स टू k हो, तो s k से ऊपर की ओर परिबद्ध समुच्चय कहलाता है। यह यूँ कह सकते हैं कि कोई भी समुच्चय ऊपर की ओर बाउंडेड तब होगा जब कोई ना कोई ऐसा अवयव एग्जिस्ट करता हो जिससे उस समुच्चय का कोई भी अवयव अधिक नहीं हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर या उससे कम हो सकते हैं, तो वो अवयव उस समुच्चय का ऊपरी परिबद्ध कहलाएगा। मतलब ऊपर की ओर उस समुच्चय के सभी अवयव उस अवयव के द्वारा बाउंडेड होंगे। इसी प्रकार न्यूनतम इसके आधार पर एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अपन डिफाइन करेंगे, न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध, इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम कह सकते हैं, दूसरा हिंदी में उसको कहते हैं उच्चक। तो पहले भी पढ़ा है उच्चक हमने, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का उच्चक और निम्नक, तो ये डेफिनेशन ढंग से समझनी है। ऊपरी परिबद्ध के बारे में क्या पढ़ा अपन ने, कि कोई भी क्षेत्र का अवयव किसी अरिक्त उपसमुच्चय एस का ऊपरी परिबद्ध कहलाता है यदि एस का प्रत्येक अवयव उससे छोटा हो या अधिक से अधिक उसके बराबर हो। अब इस तरह से बहुत सारे अवयव ऊपरी परिबद्ध हो सकते हैं, इसके बहुत सारे अवयव एफ में ऐसे हो सकते हैं जो एस के सभी अवयवों से बड़े हों, तो उच्चक कौन सा होगा उनमें से। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध, मतलब ऊपर की ओर जितने भी परिबद्ध हैं उनमें से सबसे छोटा जो परिबद्ध है वो उस समुच्चय का उच्चक कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा। ध्यान से समझना है कि ऊपरी परिबंधों में से सबसे छोटा परिबंध वो कहलाता है उस समुच्चय का उच्चक। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए समझें, किसी समुच्चय में अवयव हैं अपने पास में, समझने के हिसाब से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 तक अवयव हैं, तो अपन कह सकते हैं कि 6 भी उससे बड़ा है, 7 भी उससे बड़ा है, 8 भी उससे बड़ा है, 9 भी उससे बड़ा है, लेकिन ऊपरी परिबद्ध केवल समझने के हिसाब से कौन सा होगा, 6 7 8 9 में से सबसे छोटा कौन सा है, 6 ऊपरी परिबद्ध तो है लेकिन सबसे छोटा, ये 6 कहलाएगा इसका उच्चक। इसी तरह से नीचे की ओर परिबद्ध समुच्चय पढ़ते हैं, उनके लिए भी डेफिनेशन ये कि क्रमित क्षेत्र एफ में कोई अवयव ऐसा हो के डैश कि अरिक्त उपसमुच्चय का प्रत्येक अवयव या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो, तो वो समुच्चय क्या कहलाता है, नीचे की ओर परिबद्ध समुच्चय कहलाता है। इसके लिए भी एक डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको कहते हैं इन्फिमम, ये हिंदी में कहते हैं महत्तम निम्न परिबद्ध, या इसको निम्नक बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन उच्चक की डेफिनेशन क्या थी, ऊपरी परिबंधों में से सबसे छोटा परिबंध उच्चक, लेकिन निम्न परिबंधों में से जो सबसे बड़ा परिबंध है, निम्न परिबंधों में से समुच्चय के अवयवों में से नहीं, निम्न परिबंधों में से सबसे बड़ा अवयव उस समुच्चय का निम्नक कहलाता है। इसके बाद आता बाउंडेड सेट परिबद्ध समुच्चय, अभी पढ़ा था ऊपरी परिबद्ध समुच्चय, निम्न परिबद्ध समुच्चय, और यदि समुच्चय दोनों ओर से बाउंडेड हो, मतलब किसी क्रमित क्षेत्र एफ में के और के डैस ऐसे अवयव एग्जिस्ट करते हो कि एस का प्रत्येक अवयव के डैस और के मध्य एग्जिस्ट करता हो, तो वो समुच्चय क्या कहलाता है, परिबद्ध समुच्चय कहलाता है।
इसके बाद एक अपगृहीति आती है अपने पास में, कंप्लीट पूर्णता अपगृहीति। पहले अपन ने फील्ड अपगृहीति पढ़ी, फिर क्रमिक क्षेत्र अपगृहीति पढ़ी, उसके बाद में पूर्णता अपगृहीति, क्रम पूर्णता भी इसको कहते हैं। इसलिए इसको इसकी अपगृहीति दो अपगृहीति होती है पूर्णता की, इनको क्रमता क्रम पूर्णता कहते हैं। इसलिए ओ सी से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर कंप्लीट। तो पहली को कहेंगे ओ सी वन, दूसरी को कहेंगे ओ सी टू। पहली अपगृहीति उच्चक अपगृहीति, दूसरी है निम्नक अपगृहीति। मतलब उच्चक अपगृहीति ये कहती है कि क्रमिक क्षेत्र एफ के प्रत्येक ऊपर की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय का उच्चक एफ में विद्यमान होता है, एफ के बाहर नहीं हो सकता, ये उच्चक अपगृहीति है। निम्नक अपगृहीति भी ये कहती है कि किसी क्रमिक क्षेत्र एफ के प्रत्येक नीचे की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय एस का निम्नक एफ में ही विद्यमान होता है। तो दो अपगृहीति है ओ सी वन और ओ सी टू, इनको कहते हैं क्रम पूर्णता अपगृहीति। इसके आधार पर जो डेफिनेशन आती है, क्रमित क्षेत्र अपन ने पढ़ा, उसके बाद आता है पूर्ण क्रमित क्षेत्र। तो क्रमित क्षेत्र की क्या परिभाषा थी, ऐसा क्षेत्र जो क्रम की चारों अपगृहीतियों को संतुष्ट करे वो क्रमित क्षेत्र था। आगे पूर्ण क्रमित क्षेत्र लग गया, इसका मतलब ऐसा क्रमित क्षेत्र जो पूर्णता की दोनों अपगृहीतियों को भी संतुष्ट करे तो वह पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। फील्ड पढ़ा, उसके बाद में ऑर्डर फील्ड पढ़ा, अब आ गया कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। तो ये डेफिनेशन वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी इसमें उच्चक और निम्नक की, इसको ध्यान से समझना है। और आगे जो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है 1.25, एक बार स्टडी करोगे, कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इस थ्योरम को समझाएंगे। थ्योरम है परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता है। अपन ने पढ़ा था कि क्यू प्लस डॉट क्रमित क्षेत्र होता है, लेकिन पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता है, इसका मतलब इसमें क्रम की अवगृति संतुष्ट नहीं होती है। इसके बाद में आगे जो प्रॉपर्टी आती है वास्तविक संख्याओं की प्रॉपर्टी में, एक प्रॉपर्टी और है आर्कमीडियन गुणधर्म। आर्कमीडियन गुणधर्म क्या है, यदि एक्स तथा वाई कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हों तो एक ऐसा धन पूर्णांक एन विद्यमान होता है कि एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा। आर्कमीडियन क्रमित क्षेत्र इसी के आधार पर है कि कोई क्रमित क्षेत्र यदि इस आर्कमीडियन गुणधर्म को संतुष्ट करता है तो वह आर्कमीडियन क्रमित क्षेत्र कहलाता है। कल इससे मतलब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे, प्रूव करेंगे।